हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का प्रोफाइल में आप अपना मोबाइल नंबर को कैसे अपडेट कर सकते हो। बहुत लोगों का खुद का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको अपडेट करना ज़रूरी है, या फिर हो सकता है आपका नंबर बंद हो गया हो जो सऊदी काउंसिल में रजिस्टर्ड है, तो नए नंबर को आप कैसे रजिस्टर करेंगे पूरा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको SCE सर्च करना है, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का प्रोफाइल में लॉगिन करना है। ये सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर, मैं अपना प्रोफाइल को लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन एक्रेडिटेशन, ये अरबिक में आ रहा, तो इसको यहाँ से इंग्लिश कर लेता हूँ। मैं अपना आईडी डाल दिया, पासवर्ड यहाँ पर इंटर करता हूँ, लॉगिन। ये प्रोफाइल लॉगिन हो गया मेरा। प्रोफाइल में लॉगिन होने के बाद सीधा ऊपर में जाना है, फ़ोटो दिख रहा है, ये फ़ोटो पे क्लिक करना है। ये इस तरह से ऑप्शन आएगा, सेकंड वाला चूज़ करना है, अपडेट पर्सनल इन्फो, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पूरा डिटेल यहाँ पर आएगा। ये है फर्स्ट वाला ऑप्शन, मोबाइल नंबर। सिर्फ जो इनेबल है वही आप एडिट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हाइड किया हुआ है वो नहीं कर सकते। जैसे अरबिक नेम, जॉब टाइटल, ये सब एडिट नहीं होगा, मोबाइल नंबर एडिट हो सकता है। तो मोबाइल नंबर आपको इसी तरह से लिखना है, यही फॉर्मेट में, 9665710974646, ये मेरा मोबाइल नंबर है, अपडेट कर दिया। इसके बाद ये रीज़न जहाँ पर मैं हूँ सऊदी अरबिया का, तो मैं ईस्टर्न रीजन में हूँ, ये है ईस्टर्न रीजन। सिटी भी है, अपकेक ले रहा, तो अपकेक को हटा के मैं दमाम कर देता हूँ, क्योंकि मैं दमाम में हूँ। ओके, हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए GPA। GPA क्या है? ये एक्चुअली आपका पासिंग ग्रेड होता है, ये एक्चुअल में अमेरिकन स्टैंडर्ड है। तो आपका नंबर कितना था ये जो है आपको यहाँ पर इंटर करना होता है। तो क्योंकि डिप्लोमा जिसने भी डाला है सेमेस्टर वाइज अलग अलग रह सकता है, तो आपका फाइनल सेमेस्टर में जितना मार्क्स रहेगा वो आप ओवरऑल कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे मैं अपना अगर लिखूँ, 325 था मेरा फाइनल सेमेस्टर में, तो सिर्फ मैं वही डाल रहा हूँ, पूरा नहीं जोड़ के डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद GPA का एक ग्रेड आता है, वो ग्रेड यहाँ पर डालना है, आपका एक्सेलेंट था या फिर ख़राब था या एवरेज था। तो मेरा जो है एवरेज था, तो एवरेज वाला ऑप्शन होता है 4, ये गुड। 5 वाला अगर सेलेक्ट करेंगे तो बहुत ही पुअर आ जाएगा, तो मेरा पुअर नहीं था। 100 सेलेक्ट करेंगे तो एक्सेलेंट आ जाएगा, तो ये 4 सेलेक्ट कर लेना। वो आप देख लीजिएगा अपने मार्कशीट पे, अगर आप एक्सेलेंट हो तो 100 भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका है वही डालना है, ठीक है। ये मैंने सब कुछ फिलअप कर दिया, अब यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। सेव हो गया अपडेट, योर कॉन्टैक्ट इन्फो हैज़ बिन सेव्ड सक्सेसफुली। बस इसी तरह से करना है, तो इस तरह से आप लोग भी कर लीजिए अगर आपका नंबर बंद हो चुका है या चेंज करना चाहते हैं तो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।